स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जिसका नाम है जानकारी मैटर्स। यहाँ पे शिक्षक और हाई कोर्ट को लेकर के एक न्यूज़ आई है, चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं आखिर माजरा क्या है। हाई कोर्ट ने पूछा, शिक्षक पर ताबड़तोड़ कार्रवाई क्यों। ये है मुजफ्फरपुर जिले का डीओ और शिक्षक मारपीट मामले में अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि शिक्षक सरकारी कर्मचारी हैं, अपराधी नहीं, फिर ताबड़तोड़ कार्रवाई क्यों। मारपीट मामले में एचएम की ओर से हाई कोर्ट में दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के क्रम में हाई कोर्ट ने ताबड़तोड़ कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए वरीय एसपी से हलफनामा मांगा है। हाई कोर्ट ने कहा कि वरीय एसपी बताएं कि किस परिस्थिति में 10 दिन में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। 13 मई को हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि रखी है, साथ ही अग्रिम जमानत के निष्पादन तक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। पुरनी के अपग्रेड स्कूल करमचंद रामपुर बलरा में हुई मारपीट मामले में एचएम की अग्रिम जमानत अर्जी को मुजफ्फरपुर कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गई। इन बिंदुओं पर जताई आपत्ति, हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई कि 4 मार्च को FIR हुई और 7 मार्च को ही कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। पुलिस के आवेदन पर फिर तुरंत 14 मार्च को धारा 82 के तहत कुर्की जब्ती का आदेश भी निकाला गया। कोर्ट ने इस पर वरीय एसपी को प्रति शपथ पत्र दायर करने को कहा है। हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है कि वरीय एसपी बताए कि ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 में एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई करनी पड़ी। 4 मार्च को कितने मामलों में ऐसी कार्रवाई की, मांगा ब्यौरा। हाईकोर्ट ने पुलिस से यह ब्यौरा भी मांगा है कि 4 मार्च को कितनी FIR उस थाने में हुई जिसमें धारा 82 के तहत कार्रवाई की गई। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से भी अभिलेख की मांग करते हुए पूछा है कि किस परिस्थिति में जांच पदाधिकारी के आदेश पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया और धारा 82 के तहत कार्रवाई की गई। अब जानते हैं कि आखिर ये मामला था क्या। अपग्रेड हाई स्कूल करमचंद रामपुर बलरा कुर्नी में 4 मार्च को जाँच में पहुँचे DEO और शिक्षकों के बीच मारपीट हुई। DEO का आरोप है कि जांच में पहुंचने पर HM भड़क गए और मारपीट की। इसमें HM राकेश कुमार समेत अन्य 2 शिक्षक पर भी कार्रवाई का आदेश दिया गया। HM को बर्खास्त करने का आदेश दिया गया। DEO की तरफ से केस हुआ। HM राकेश कुमार ने भी केस के लिए आवेदन दिया मगर स्थानीय थाना में नहीं लिया गया। HM ने इसके बाद स्थानीय न्यायालय में परिवाद पत्र दायर किया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि DEO और जो है वो HM भड़क गए थे, मारपीट भी हुआ और इसमें 2 टीचर भी हैं उन पे भी कार्रवाई का आदेश दिया गया है। और हाईकोर्ट ने ये कहा है कि शिक्षक कोई क्रिमिनल नहीं है जो उस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई अब कर रहे हैं, तो रीजन भी पूछा है और अगली सुनवाई का जो डेट है वो 13 मई को दिया है। देखने वाली बात हुई कि 13 मई को फिर क्या कुछ होता है, जो भी होगा आपको हमारे इस चैनल पर देखने सुनने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।